हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो नेटवर्क की और यू कैन सी वीडियो एड्स की, ठीक है, जो कि हम नॉर्मली यूट्यूब पे देखते हैं और अदर यू नो इन्फॉर्मेटिव साइट्स पे जब हम जाते हैं तो वीडियो एड्स चल रही होती है वहाँ वीडियो कंटेंट के ऊपर, ठीक है। वीडियो कंटेंट मतलब जो ऑलरेडी पब्लिश वीडियोज हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, उससे पहले एड्स चलती हैं, ठीक है, तो वो वीडियो एड्स होती हैं। तो कौन कौन से टाइप्स की होती हैं वो हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ पे चलती है वो भी बात करेंगे, ठीक है ना। प्राइसिंग मॉडल क्या रहता है वो भी बात करेंगे, उन एड्स को बोलते क्या है वो भी बात करेंगे, और टारगेटिंग कैसे सेट करते हैं वो भी बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जब मैं वीडियो नेटवर्क की बात करूँगा तो ये एड स्पेसिफिकली सबसे यू नो ज़्यादा जो इसकी रीच है वो यूट्यूब में मिलती है आपको, ठीक है, और ऑडियंस बेस भी यूट्यूब पे ही सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सबको यूट्यूब पे ही चाहिए। तो यूट्यूब पे चलना, अगर आपने एड चलानी है तो वीडियो नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे चलाने के लिए हमारे पास यू नो बैनर्स भी चला सकते हैं डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू, लेकिन अभी हम वीडियोज़ की बात कर रहे हैं। अगर हमें वीडियो प्रमोशन करनी है, हमारे पास वीडियोस हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो हम वीडियो नेटवर्क में आके हम ये काम कर सकते हैं। तो जब हम वीडियो एड्स के थ्रू अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं तो हमारे पे डिपेंड करेगा कि वो हम यूट्यूब पे करना चाहते हैं या क्यों ना यूट्यूब की जो पार्टनर साइट्स हैं जहाँ पे वीडियो कंटेंट है वहाँ पे भी गूगल आपकी ऐड चलाता है, तो आपके ऊपर है वो चलानी है कि नहीं चलानी। तो जैसे गूगल सर्च में होता है कि गूगल सर्च पे भी चला लो, सर्च पार्टनर्स पे भी चला लो, डिस्प्ले में गूगल की प्रॉपर्टीज भी हैं और अदर प्रॉपर्टीज भी हैं जिन्होंने एडसेंस लिया हुआ, तो सेम में यहाँ वीडियो नेटवर्क में यूट्यूब गूगल की प्रॉपर्टी है और गूगल डिस्प्ले पार्टनर जो है वो साइट्स हैं जिन्होंने एडसेंस लिया हुआ है, तो उन पे भी चला सकते हो, ठीक है ना। तो आपकी ऐड या तो यूट्यूब पे डिस्प्ले होगी या उन साइट्स पे डिस्प्ले होगी जिसने गूगल एडसेंस लिया हुआ, जो गूगल का डिस्प्ले पार्टनर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइसिंग मॉडल रहता है वो रहता है CPV, कॉस्ट पर व्यू। आप व्यू के हिसाब से पैसा दे सकते हो पर व्यू, ठीक है, या आप CPM जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। जब 1000 बार आपकी यू नो वीडियो एड दिखाई जाएगी तो एक सर्टन अमाउंट चार्ज होगा, ठीक है, 1000 बार। CPM का मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। अब एड्स कौन कौन सी होती है, आप YouTube ब्राउज करते हो, आप देखते हो यार बहुत सारी ऐड आती है, कभी स्किप आता है, कभी नहीं आता, कभी छोटी ऐड होती है, कभी राइट साइड में आ रही होती है, कभी मोबाइल में देखते हो तो जो वीडियो देखते हो उसके नीचे आ रही होती है, फिर वीडियो देखते देखते बीच में एक यू नो बार सा बना हुआ आ जाता है, तो बहुत सारी एड्स आती हैं। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली वीडियो एड्स की बात कर रहे हैं और वीडियो एड्स की पहचान पता किससे होती है, अगर वीडियो के ऊपर आएगी तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है ना, ऐड कहीं पर लिखा होगा, और कभी राइट साइड में नीचे कहीं और आती है तो उसमें ड्यूरेशन लिखी होगी, जैसे वीडियो का जो फ्रेम बना हुआ है, ठीक है ना, जो थंबनेल होगा उस पर आपको एक छोटी सी ड्यूरेशन दिखेगी, तो जहाँ पे ड्यूरेशन है मतलब वो वीडियो ऐड है और जहाँ ड्यूरेशन नहीं है वो डिस्प्ले ऐड है, सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड दी है 5 तरीके की। तो पहली है इन स्ट्रीम, मतलब जो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ड्यूरिंग या बाद में चलती है उसको इन स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है ना, जैसे वीडियो स्ट्रीम होता है ना, तो इन स्ट्रीम, ड्यूरिंग स्ट्रीम, बिफोर स्ट्रीम, आफ्टर स्ट्रीम अगर चलेगी तो उसको इन स्ट्रीम बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये इन स्ट्रीम स्किपेबल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें आप देखते हो स्किप का ऑप्शन आ जाता है, उसकी बात करेंगे डिटेल में। फिर इन स्ट्रीम नॉन स्किपेबल, जिसमें नॉन स्किप का ऑप्शन आता ही नहीं है। फिर तीसरा बम्पर एड्स के बारे में बात करते हैं, ये भी इन स्ट्रीम के अंदर ही आता है लेकिन इसको बम्पर बोलते हैं। फिर होता है वीडियो डिस्कवरी एड्स, तो सब दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकल। एक होता है आउट स्ट्रीम, देखो इन स्ट्रीम मतलब यूट्यूब में चल रही है तो इन स्ट्रीम, और अगर यूट्यूब में ना चल के अदर वीडियो जो पार्टनर्स हैं डिस्प्ले पार्टनर्स हैं उन पे चल रही है तो आउट स्ट्रीम। तो YouTube ने यू नो ऐसा ऑप्शन बनाया हुआ है कि जब आप नॉर्मल ऐड चलाते हो तो YouTube के अलावा बाकियों में भी चलती है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन देता है कि अनटिक कर सकते हो, लेकिन जब आप आउटस्ट्रीम चलाते हो तो अदर्स पे ही चलती है, YouTube वहाँ पे डिसेबल है। तो अगर आप चाहते हो कि अदर्स पे दिखे YouTube पे ना दिखे, ठीक है ना, तो आउटस्ट्रीम ले सकते हो, और बाकी तो आपको इन स्ट्रीम में दोनों ऑप्शन मिलेंगे। YouTube पे तो चलेगी चलेगी, आप चाहो तो आउटस्ट्रीम वालों को डिसेबल कर सकते हो वहाँ पे चलके, ठीक है। तो वीडियो डिस्कवरी कौन सी होती है ये भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये 5 टाइप्स की एड्स हैं बेसिकली, ठीक है। अब जब ये एड मुझे दिखती है या मेरी एड किसी और को दिखती है, तो ऐसे तो है नहीं कि मैं सबको दिखा दूंगा, सबके लिए तो हो नहीं सकता ना मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो लिमिटेड ऑडियंस के लिए होगा, टारगेटेड ऑडियंस के लिए होगा। तो टारगेटिंग सेट कैसे करते हैं, तो टारगेटिंग सेट जैसे हम डिस्प्ले में करते हैं कि हम कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो उन कीवर्ड्स से रिलेटेड जब कोई वीडियोस देख रहा होगा या कोई ऐसी वीडियो देख रहा है जहाँ पे टाइटल में वो कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड है, टैग्स में वो कीवर्ड है, ठीक है ना, वहाँ पे मेरी ऐड चल जाएगी, ठीक है। फिर है स्पेसिफिक वेबसाइट, जैसे हम डिस्प्ले नेटवर्क में बात करते हैं कि हम प्लेसमेंट ऑप्शन में जो जो वेबसाइट गूगल को बताते हैं गूगल उसी में चलाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी ऑप्शन होता है, वेबसाइट भी डाल सकते हो, मोबाइल ऐप भी डाल सकते हो, मोबाइल कैटेगरी भी डाल सकते हो, चैनल भी डाल सकते हो,
ठीक है ना, और पर्टिकुलर वीडियो भी डाल सकते हो, वहां पे भी ऑप्शन होते हैं, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है। वहां पे हम बैनर एड्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम वीडियो एड्स की बात कर रहे हैं, यही डिफरेंस है बस, ठीक है ना। तो डिस्प्ले कैसे होगी यहाँ पे, स्पेसिफिक वेबसाइट पे, वीडियोस पे, एप्स पे, और भी चीजें वो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दिख जाएंगी। फिर टॉपिक्स ले सकते हैं, अब जैसे चल रहा है कि हाउ टू इंक्रीज स्पीड, तो टॉपिक क्या हो गया, एसईओ या वेबसाइट डिजाइनिंग। तो अगर किसी ने वेबसाइट डिजाइनिंग या एसईओ या ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऐसा टॉपिक लिया हुआ है, तो जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं ना उसके अंदर, उनका अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको ऐड दिखेगी। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म वो होता है जैसे कि मुझे कैमरा लेना है, तो मैं आजकल सर्च कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म है, जैसे मैं ले लूंगा मेरे सर्चेज खत्म हो जाएंगे। मुझे कहीं घूमने जाना है, तो मैं पैकेजेस या मैं फ्लाइट टिकट्स या मैं होटल चेकआउट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं मेरा फाइनलाइज हो जाएगा तो मैं सर्च करना बंद कर दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं घूम के आऊंगा तो सर्च करना बंद होगा, जब मैंने बुक कर लिया तो बस खत्म, थोड़ा बुक करके कैंसिल करा के मैं दूसरे कराता रहूंगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है। जो टारगेट ऑडियंस है ना वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट वाली होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई एक साल तो सर्च करेगा नहीं, ठीक है ना। जो गूगल उसको समझेगा इसका तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, वही करेगा डिजिटल मार्केटिंग सर्च पूरे साल, या तो जो इस ट्रेड में है। मतलब मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स को सर्च करता रहता हूँ, मैं अपनी कीवर्ड्स डालता रहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोज ब्राउज करता रहता हूँ, कंटेंट ब्राउज करता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हो गया। तो अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है तो मुझे थोड़ा टारगेट करेगा, शॉर्ट टर्म वाले को करेगा। तो शॉर्ट टर्म वाले को बोलते हैं इन मार्केट ऑडियंस, और लॉन्ग टर्म वाले को बोलते हैं एफिनिटी ऑडियंस। प्रैक्टिकल करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, लेकिन अगर आप कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो, अब डिपेंड करता है। अब जैसे AHRF टूल है, अब वो थोड़ा जिसको डिजिटल मार्केटिंग बारे में पता ही नहीं है, SEO पता ही नहीं है, तो उसको क्यों टारगेट करेगा? वो टारगेट करेगा हम लोगों को जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, कोई डुप्लीकेट कंटेंट चाहिए वो हमें टारगेट करेगा, कोई कीवर्ड रिसर्च टूल वो हमें टारगेट करेगा, ठीक है। तो हम भी किसी की टारगेट ऑडियंस है, लेकिन इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो उनके लिए टारगेट ऑडियंस है वो जो जिनका शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट है, जिसका अभी इंटरेस्ट आया, जो आजकल में एक्टिवली रिसर्च कर रहा है गूगल पे कि कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट चूज करते हैं क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर एज और जेंडर डिस्प्ले में भी था, यहाँ पे भी है। फिर रीमार्केटिंग यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। जो रीमार्केटिंग हमने तब बनाई थी जब हमने सर्च नेटवर्क किया था, ठीक है, उसको हम यहाँ पे भी टारगेट कर सकते हैं। मतलब जो हमारी वेबसाइट पे आके यूट्यूब पे आया उसी को दिखाओ बस, वो भी कर सकते हैं। फिर कस्टमर ईमेल आईडी आप दे दो, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब जब भी कोई ब्राउज करता है तो लॉगिन तो रहता ही है, तो लॉगिन रहता है, और आपने ईमेल आईडी की लिस्ट डाली हुई है, तो जिस यूट्यूब प्रोफाइल से वो मैच होगी वह उसको आपके ऐड दिख जाएगी, जैसे नहीं होगी वो गूगल ऑटोमेटिकली हटा देगा। तो ये सब ऑप्शन है बेसिकली, डिस्प्ले कहाँ होगी, प्राइसिंग क्या रहेगी, एड्स कौन कौन सी होती हैं, और टारगेटिंग आप कैसे कर सकते हो। अब देखते हैं एक बार, जैसे यहाँ पे ये एक इमेज तो मैंने गूगल से ली है एक्चुअली में, ठीक है ना, और ये जो बॉक्सेज है ये मैंने बनाया आपको समझाने के लिए कि जो पहला फ्रेम आप देख रहे हो उसके अंदर आप देख रहे हो कि ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 5 सेकेंड्स हैं, ठीक है, ये क्लॉक बनी हुई है पीछे, तो 5 सेकेंड्स, और 5 सेकेंड के बाद स्किप का ऑप्शन आ गया। तो ऐसी एड्स को क्या बोलते हैं, स्किपेबल इनस्ट्रीम एड्स, ठीक है, ये स्किपेबल होती है बेसिकली, स्किपेबल इनस्ट्रीम एड्स, जहां पे 5 सेकेंड के बाद स्किप का ऑप्शन आ जाए वो स्किपेबल इनस्ट्रीम एड्स होती है। तो क्या बोलते हैं, अच्छी होती है कि बेकार होती है? मतलब आपकी ऐड कितनी भी अच्छी हो लेकिन यूजर 5 सेकेंड के बाद स्किप चांसेस है 99% करेगा ही करेगा, तो उसके आगे आप कितना भी अच्छा मैसेज दे रहे हो नहीं गया यूजर के पास, ठीक है। तो पहले 5 सेकेंड बहुत बढ़िया बनाओ, या तो या फिर ये वाली आईडी बन चलाओ, ठीक है। नॉन स्किपेबल इंस्ट्रीम एड्स, नॉन स्किपेबल आप देख रहे हो ड्यूरेशन क्या है 15, तो अगर 15 से कम की बनाई है, देखो स्किप वाले में होता क्या है कि आपकी ड्यूरेशन जो होती है ना वो 15 सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है, और आपने खुद ही चूज़ करा होता है कि मुझे स्किपेबल चलानी है, तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है स्किपेबल चलाओगे कि नॉन स्किपेबल चलाओगे। स्किपेबल चलाओगे तो मिनिमम ड्यूरेशन 11 सेकेंड होती है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। नॉन स्किपेबल चलाओगे तो मिनिमम ड्यूरेशन 7 सेकेंड होती है, मैक्सिमम 15 होती है, उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है ना। उससे ऊपर जाओगे तो वो डिसेबल ही हो जाएगा ऑप्शन, आपको कंटिन्यू नहीं करना देगा। फिर डिस्कवरी एड्स आजकल नया आया, वो भी बताऊंगा क्या होता है। जैसे यूट्यूब खोलते हो टॉप पे ऐड आ जाता है, ठीक है, और बम्पर एड्स आप देख लो 6 लिखा हुआ है, तो ये भी 6 सेकेंड की नॉन स्किपेबल ऐड होती है, पर इसको नॉन स्किपेबल कभी नहीं बोलते हम। नॉन स्किपेबल तो अभी गूगल ने रिसेंटली निकाला है, पहले नहीं था। तो पहले स्किपेबल होता था और बम्पर होता था और वीडियो डिस्कवरी होता था बस, अभी नॉन स्किपेबल को इंट्रोड्यूस कर दिया, और उसके बाद अभी रिसेंट जो किया है वो डिस्कवरी एड्स की है, तो दिखाऊंगा क्या होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जैसे जब भी आप यूट्यूब में कुछ सर्च करते हो और ये जो टॉप पे एड्स देख रहे हो इसको वीडियो डिस्कवरी एड्स बोलते हैं, और अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो राइट साइड में रिलेटेड वीडियोज जो होती है वहाँ पे कोई ऐड आ रही है, तो ये भी वीडियो डिस्कवरी एड्स होती है, ठीक है। अब चलते हैं यूट्यूब पे, ठीक
ठीक है, YouTube पे है। अब जैसे मैं आपको जो मैंने आपको इमेज दिखाई है वो दिखाता हूँ आपको। देखो फर्स्ट से देखते हैं, 5 के बाद स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, चलती रहेगी वीडियो, स्किप का ऑप्शन आ जाएगा, आप कर सकते हो तो बंद हो जाएगी और जो वीडियो आप देखने आए हो वो दिखनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 15 सेकंड है, ठीक है, लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन इसकी 7 सेकंड्स होती है, ठीक है। फिर ये आपकी देख रहे हो 6 सेकंड्स की है, ये बम्पर हेड है, बस नॉन स्किपेबल है। तो बेसिकली जब मैं शुरू में चलाता था, जब ये नॉन स्किपेबल नहीं होता था, तो मैं सोचता था यार मैं अपने टेस्टिमोनियल्स की ऐड चला रहा हूँ और मेरे जो ऐड है वो 5 सेकंड के बाद स्किप होनी होनी है, तो क्यों ना बम्पर ही चला लूँ, एटलीस्ट 6 सेकंड तो चलेगी, 1 सेकंड का तो फायदा होगा, तो 1 सेकंड भी बहुत होता है एक पर्टिकुलर लाइन फटाफट बोलने के लिए, ठीक है। फिर आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो, नीचे ऐड चल रही, तो ये रिलेटेड होती है बेसिकली। तो चलो यूट्यूब पे देखते हैं। तो अभी जैसे मैं साइन इन नहीं हूँ और ये टॉप पे ऐड दिख रही है, तो ये जो टॉप पे ऐड है ये हम नहीं चला सकते बेसिकली, इसके लिए आपको यूट्यूब को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तब चलती है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे यू नो वीडियो नेटवर्क गूगल एड्स का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं आगे, जो मैं बोल रहा था एक ऐड है जिसका नाम है डिस्कवरी एड्स। तो डिस्कवरी एड्स जो है अभी नहीं दिख रही मुझे, लेकिन एक बार आई थिंक मैं लॉग इन करूँगा तो मे बी आ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे ऐड नहीं चल रही, ये वाली चल रही है। और जो मैं लॉग इन करता हूँ मैं देखता हूँ कि ये वाली नहीं आ रही थी काफ़ी दिन से, मैं देख रहा था ये जो फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पे ऐड आती थी, ठीक है। तो चलो एक बार मैं गूगल करके देख लेता हूँ। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे डिस्कवरी एड्स यूट्यूब, इमेजेस पे चलते हैं। मैं डिस्कवरी एड्स की बात कर रहा हूँ, मैं वीडियो डिस्कवरी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डिस्कवरी एड्स यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। देखो मतलब जो आप नॉर्मल वीडियो ब्राउज कर रहे हो, यहाँ पे थोड़ी बीच में आ रही है, मैंने जितनी बार देखी है वो टॉप पे देखी है, ठीक है। चलो दूसरा कोई इमेज देख लेते हैं। ठीक है, ऐसी नहीं होती बेसिकली, ये कुछ और आ गया। ऐसी अगर आ रही है, ये जो ऐड आती है ना टॉप पे, ये कीवर्ड डालने से आती है, तो जो कीवर्ड डालने से आती है उसको वीडियो डिस्कवरी बोलते हैं, डिस्कवरी नहीं बोलते। डिस्कवरी सीधा यूट्यूब खोलोगे सामने दिखेगी, लेकिन वीडियो डिस्कवरी कब आती है, जब आप कीवर्ड डालोगे और कीवर्ड से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएंगे उसके टॉप पे आपको मैक्सिमम 2 मिनिमम 1 ऐड, कभी कभी नहीं भी आती, मिनिमम का तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम 2 आती है, ठीक है। ये वाली भी आप देख लो, ऑनलाइन मार्केटिंग डाला तो ये आएगी, हाउ आई मेक मनी ऑनलाइन, तो ये भी क्या है, वीडियो डिस्कवरी ऐड है, डिस्कवरी ऐड नहीं है। तो डिस्कवरी ऐड देखता हूँ, ये भी वीडियो डिस्कवरी है, ये भी वीडियो डिस्कवरी, क्योंकि हर किसी में कीवर्ड डला हुआ है। देखो यहाँ पे भी ऊपर कीवर्ड है, इसमें भी ऊपर कीवर्ड डला हुआ है, हाउ टू टाई टाई, ठीक है। तो वीडियो डिस्कवरी डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे आता है, लेकिन जो डिस्कवरी है वो सिर्फ मोबाइल पे आता है, ठीक है, डेस्कटॉप पे भी आता है। तो चलो एक बार लॉग इन करते हैं और देखते हैं, मे बी लॉग इन करके आ जाए। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट से, आया नहीं वैसे, अब ऐसे ही होता है यूट्यूब में, कभी आता है कभी नहीं भी आता। तो आप एक बार चेक करना यूट्यूब खोल के, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ऐड आ रहा होगा, ठीक है। और जब अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने SEO कोर्स सर्च किया, तो ये वाली एड्स वीडियो डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि वीडियो डिस्कवरी एड्स के अंदर ऐसा एक वीडियो फ्रेम बना हुआ आता है जिसमें ड्यूरेशन लिखी होती है। ये जो आ रही है ये कॉल हो रही है सर्च नेटवर्क से, ठीक है, सर्च एड्स जैसी है ना, टेक्स्ट एड्स जैसी दिख रही है, तो ये सर्च एड्स बोलूँगा इसको मैं, ये वीडियो डिस्कवरी नहीं है। तो अगर मैं डालूंगा SEO प्रैक्टिस ट्यूटोरियल, ये भी यू नो वो वाली ऐड नहीं है, वीडियो डिस्कवरी नहीं है। तो SEO ट्यूटोरियल डालते हैं, ठीक है। ये जो फ्रेम वाली ऐड दिख रही है ये वीडियो डिस्कवरी ऐड है, पहले वाली थी टेक्स्ट ऐड, ठीक है ना। तो टेक्स्ट ऐड तो वीडियो नेटवर्क से नहीं चलेगी, वो तो सर्च नेटवर्क से चलती है, ठीक है। तो वीडियो डिस्कवरी ऐड जब कुछ सर्च करते हो या जब कोई वीडियो देखते हो तो राइट साइड में आती है, और बहुत ही रेयर आती है, बहुत ही ज़्यादा रेयर आती है, इसमें तो नहीं आ रही है। तो सब आपकी यू नो रिलेटेड वीडियोज है, इसमें नहीं आ रही। तो ये था वीडियो डिस्कवरी। अब जैसे मैंने ये वीडियो चलाया, लेकिन इसमें कोई शुरू में ऐड ही नहीं आई, और आगे भी आई थिंक कोई ऐड नहीं आएगी, क्योंकि वरना मार्क्स बने होते हैं। चलो कोई दूसरा वीडियो देखते हैं, कोई नहीं आई इसके अंदर भी, कीवर्ड चेंज करते हैं। ठीक है, ये भी ऐड नहीं है,
ऐड आती है तो अलग से पता चल जाता है, तो दो तीन पे क्लिक करके देखता हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो ये ऐड है, होस्टिंगर डॉट इन की ऐड है ये। और ये ऐड यहाँ से अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे किसकी है, तो राइट साइड में ये बैनर आता है, यहाँ से भी कर सकते हो। वेबसाइट का नाम भी आ रहा है, चैनल का नाम भी आ रहा है, चैनल का नाम नहीं है बेसिकली ये। ठीक है ना, ये आपका टाइटल होता है और ये आपका कॉल टू एक्शन होता है। तो ये 15 करेक्टर्स और ये 10 करेक्टर्स ऐसा कुछ दे सकते हो आप। ठीक है, और ये बैनर होता है 300 x 60, 300 विड्थ होती है, 60 हाइट होती है, तो ये बना सकते हो आप। नहीं बनाओगे तो कुछ और है। अब देखो, नॉर्मली तो आता नहीं है, लेकिन आप लकी हो या मैं लकी हूँ कि इस बार आ गया रिलेटेड वीडियोज़ में ऐड आ गया। ठीक है ना, तो ये भी वीडियो डिस्कवरी एड्स बहुत रेयर दिखता है, लेकिन चलो आज दिख गया। ठीक है, तो ये जो ऐड है ये आप देख रहे हो कि 29 सेकेंड्स बचे हैं अभी, मे बी शायद 2 सेकेंड हो गए, टोटल 32 की है, 3 हो गए, आगे देखते हैं। और क्योंकि 11 सेकेंड की मिनिमम होनी चाहिए ये, और क्योंकि 15 सेकेंड से ज़्यादा भी है, तो स्किप ऐड का ऑप्शन 5 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक, देखो जैसे ही 5 हुआ स्किप का ऑप्शन आ गया। तो ये है स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। चलो दूसरा वीडियो देखते हैं। अब गूगल भी देखो, यूट्यूब भी ऑब्जर्व करता है कि बंदा बार बार अलग अलग वीडियोज पर क्लिक कर रहा है, तो एक टाइम के बाद ना ऐड आनी बंद हो जाती है। ठीक है, अब नहीं आ रही। ठीक है, तो ये सब बेसिकली, अब बम्पर भी नहीं दिखा पाया मैं आपको क्योंकि वो आई नहीं थी अभी, तो नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसलिए अब देखो क्या है कि नॉन स्किपेबल की वजह से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं जब भी कुछ प्रमोट करता हूँ ना यूट्यूब पे, तो मैं अपनी ऐड 15 सेकेंड्स, 14, 13, 12 की ही बनाता हूँ, क्योंकि मुझे स्किप ऐड का ऑप्शन देना ही नहीं है, मुझे तो नॉन स्किपेबल बनानी है। तो नॉन स्किपेबल के लिए मेरी ऐड की ड्यूरेशन हमेशा लिमिटेड रहती है। तो दिखाता हूँ आपको जो मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ, जैसे मैंने अपने SEO कोर्स को प्रमोट करने के लिए वीडियोस बनाई थी, उसकी ड्यूरेशन दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये अपलोड करने के बाद 16 हो गया है, वैसे ही 15 है। ठीक है, फिर ये 14 है, तो 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो ये SEO कोर्स की मेरे कुछ डेमो वीडियोस हैं, ये मेरे डिजिटल चैनल पर डले हुए, ये मैंने वीडियोस बनाए 15 15, ये भी 15 ही है, फिर ये भी 15 है, 15, ये 14 हो, एक एक सेकंड एक्स्ट्रा लेके चल लो, मतलब कम कर दो एक एक सेकंड। तो अप्रॉक्सीमेटली ये सब 15 है, और ये सारी एड जब मैं चलाता हूँ तो ये नॉन स्किपेबल में चलती है। अगर ये 1 सेकंड भी ऊपर होती 15 से, अब तो ठीक है ना, 16 दिखा रहा है लेकिन है 15, 17 होती तो वो चलती थी। तो एग्जैक्टली आपको मैक्सिमम 15, मिनिमम 7। ठीक है, 6 तक की है तो बम्पर में चलाओ। ठीक है ना, अगर मिनिमम 11 है और 15 से ज़्यादा है तो स्किपेबल में चलेगी। तो दिस वे आप डिसाइड करोगे कि आपको 6 सेकंड्स की बनानी है, अप टू 15 बनानी है, या मोर देन दैट बनानी है, आपको कौन से टाइप की ऐड चलानी है, क्या ऑडियंस चूज करनी है। तो ये सब चीज़ें हम आगे वाले वीडियोज में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वीडियो एड्स की और डिटेल में बात करेंगे, कैसे बनाते हैं, क्या क्या ऑप्शंस गूगल ने हमें दिए हैं, क्या क्या हम इंफॉर्मेशन गूगल यूजर को दिखा सकते हैं, तो वो सब बात करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।